अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से हंसी खुशी रह रहे होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर कोई गलती होगी हो तो इग्नोर कीजिएगा। आज मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का इंट्रो दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं इधर से, कंसोल से। ये कंसोल लिया है मैंने, मुझे गोल्डन कलर आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से आपको हर चीज़ में ना गोल्डन गोल्डन कलर ही ज़्यादा नज़र आएगा। मंगवाया मैंने ऑनलाइन ही है ये, और ये मिरर भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ चलो बोला शुरू तो बोला नहीं, कंसोल के साथ मैंने फिश एक्वेरियम रखा है, क्योंकि घर में जगह नहीं थी तो मैंने इसको इधर ही फिलहाल अभी रखा है। अभी देखें कि इसकी सेटिंग किस जगह पे होती है। और इसके साथ कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन के साथ ही अब ये सोफ़ा है सिंगल। और आपको मेरे ड्राइंग रूम में ना बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे जुनून की हद तक जो ना डेकोरेशन की चीज़ों का शौक़ है। तो अभी फ़िलहाल तो वैसे सेटिंग नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन यह कि इंशाल्लाह आगे इसको बेहतर करूंगी। और ये मैंने लैंप लिया है, फ्लावर लैंप, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया। इसमें बटरफ्लाइज मैंने खुद अपने से ऐड की हैं। और फिर साथ थ्री सीटर सोफ़ा रखा है, और इसके साथ ही ऊपर मैंने वॉल क्लॉक लगाया जो आपको उसमें भी गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा, और सोफ़े भी गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ मैंने ये केज मंगवाया है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही इसको परचेज़ किया। और ये डेकोरेशन की चीज़ें भी मैंने इन्हीं से ली हैं जिनसे ये मैंने केज मंगवाया। और इसके साथ सिंगल चेयर है, सिंगल चेयर्स के साथ हमारी ये फ्लावर बास्केट है, इसमें भी मैंने गोल्डन का टच दिया है। केज ब्लैक इसलिए लिया कि चले कि अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो सामने ज़रा अच्छी लग रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी। अब आप बताएं कि मुझे कैसे इसको डेकोरेट करना है, या कुछ है अपने आइडियाज़ आप मुझे दें, ताकि मुझे थोड़ी सी मिले सजेशन। आपके मेरे लिए बहुत अहम होंगे कि मुझे इसको किस तरह करना चाहिए डेकोरेट, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो जितना मेरे से हो सका मैंने किया है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मज़ीद कैसे किया जा सकता है, और किस चीज़ को किस जगह पे रखना है, क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल छोटा सा है, कोई इतनी बड़ी स्पेस नहीं है इसमें। तो आप मुझे ना इसके बारे में ज़रा लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी।